हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपको नंबर सिस्टम यानि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, उन सब नंबर के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो कंप्लीट देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहला है होल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, क्या होता है, जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को, ठीक है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्याओं को होल नंबर कहते हैं। 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट, ठीक है। दूसरा है नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जांपल में 1, 2, 3, 4, इसमें 0 था और इसमें 0 नहीं है, ठीक है। इसके बाद है सम संख्या, जिसको इवन नंबर बोलते हैं। ऐसा संख्या जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, ठीक है, जो संख्या 2 से पूरी डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं इवन नंबर, सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या, जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। इसके बाद है विषम संख्या, जिसको ऑड नंबर कहते हैं। ऐसा संख्या जो 2 से पूरी तरह डिवाइड ना हो, ऐसा संख्या जो 2 से पूरी डिवाइड ना हो उसको बोलते हैं ऑड नंबर, विषम संख्या। एग्जांपल में 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि, ये सारे नंबर ऑड नंबर है, जो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता है। इसके बाद है प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो केवल खुद से या एक से डिवाइड हो, ऐसी संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो, ठीक है, एक 1 और एक सेल्फ, खुद, जो खुद के टेबल में आए और एक के टेबल में आए, वो संख्या होता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। जैसे 2, 3, 5, 7, ये सब ऐसी नंबर है जो अपने टेबल में आता है या एक के टेबल में आता है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। सम अभाज्य संख्या यानी इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर भी 2 है। इसके बाद है कंपोजिट नंबर, जिसको हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसका 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो, ऐसी संख्या जिसका 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो, उस संख्या को भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, 9, 10, ये सब क्या है, ये सब कंपोजिट नंबर है, क्योंकि जैसे 4 है ना, 4 के कितने फैक्टर है, 1, 2, 4, 3 फैक्टर हो गए। जैसे 6, 1, 2, 3, 6, 3 से ज़्यादा हो गए, तो इसको बोलते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। नॉट में है 1 ना ही कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है, मतलब एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। इसके बाद है परिमेय संख्या, जिसको रेशनल नंबर कहते हैं। जिन संख्या को 2 संख्या पी बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर सके, उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं यानी रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 4, 9, 16, 3/2, 7/4, जो परफेक्ट नंबर हो, ठीक हो, इसको रेशनल नंबर कहते हैं। इसके बाद है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। जिन संख्या को पी वाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस ना कर सके, उस संख्या को अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर कहते हैं, मतलब जो परफेक्ट संख्या ना हो, परफेक्ट नंबर ना हो। जैसे √2, √3, √5, √7, ये ऐसी संख्या है जो परफेक्ट नहीं है, तो उस संख्या को बोलते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। आई होप आपको अच्छे से सभी संख्या समझ आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। धन्यवाद।